हेलो दोस्तों, तो मैंने एक कैबिनेट मंगवाया था ANTE स्पोर्ट्स का 510 एयर कैबिनेट, 510 एयर मॉडल है। तो इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो ये कैबिनेट ऐसे दिखता है, इसके अंदर एक ग्लास लगा हुआ है। ग्लास खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पीछे दो स्क्रूज हैं, यहाँ से इसका ग्लास खुलेगा। देखिए ग्लास की क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी थिन ग्लास है। ये सब ग्लास है, मैंने इसके अंदर 1 2 3 4 पहले से ही ARGB फैंस मिलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर कोई भी बल्ब वोट चल जाएगा, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो। जैसे मैंने, मेरा 8 साल पुराना मदरबोर्ड है, तो इसके अंदर ये अभी फिट है, मैंने फिट किया हुआ है। तो उसे कोई भी मदरबोर्ड चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट यहाँ पे है, इतने सारे ग्राफिक कार्ड के सपोर्ट लगे हुए हैं। और इसके अंदर एक ऐसे यहाँ पे वर्टिकली ग्राफिक कार्ड लगाने का भी सपोर्ट है, और हॉरिजॉन्टली भी ग्राफिक कार्ड लगाने का भी सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट इसके अंदर दे रखे हैं। यहाँ पे पावर सप्लाई लगेगी आपकी, मैं अब आपको पीछे से खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर भी यहीं से खुलेंगे नट, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि ये खुल गया है, ये भी इसका अच्छी क्वालिटी का दे रखा है इन्होंने। जैसे कि ये देखते हो, यहाँ पे पावर सप्लाई लगा रखी है, यहाँ पे ये फैंस का कंट्रोलर है, यहाँ पे सारे फैंस जुड़े हुए हैं, और दो फैंस और आप लगा सकते हैं इसके अंदर। मैंने इस फैन के कंट्रोलर को पावर सप्लाई से अपने कनेक्ट कर रखा है। ये देख लीजिए, ये वाली पावर सप्लाई से कनेक्ट होगा, ये वाला पोर्ट होगा, इसको आप इसके अंदर ऐसे कनेक्ट कर दो। बस ऐसे कनेक्ट करना है तो ये चल जाएंगे सारे फैंस। और इसके अंदर इसको स्टिक करने के लिए इसके अंदर पहले से एक टेप दे रखी होती है, तो बस यहाँ जगह स्टिक कर दो। तो ये है हमारा कैबिनेट, यहाँ पहले से ही मदरबोर्ड में लगा रखा है। और एक ही मिलती है, जिसका मदरबोर्ड न्यू है तो वो तो इसको लगा सकता है, जिसका मदरबोर्ड ओल्ड है तो उसके लिए एक चीज़ आती है मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए, तो वो ले सकता है। तो उससे लगा ये अटैच हो जाएगा मदरबोर्ड से, वरना तो न्यू मदरबोर्ड में अटैच हो। यहाँ पे ये अलग ARGB फैंस का स्लॉट है, मतलब ARGB फैन चल तो जाएंगे इससे, पर जो कंप्यूटर में भी कंट्रोल करना है तो उसके लिए ये है, ये न्यू वाले में ही मदरबोर्ड में लगेगा। और ये लाइट्स हैं, इसको ये अटैच ही होंगी वैसे, वैसे अटैच करना है। जब नहीं अटैच हूँ तो इसको यहाँ से अटैच कर देना। यहाँ पे ये दे रखे हैं दो पेन ड्राइव के वो सपोर्ट दे रखा है, और एक 3.0 का है, दो 2.0 के पेन ड्राइव का सपोर्ट है। यहाँ से ये LED कंट्रोल होगी, ये एक रीस्टार्ट का है, एक पावर ऑन ऑफ का है, एक माइक का दे रखा है, और एक हेडफोन का दे रखा है। तो ये सब दे रखे हैं इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, पहले ये सब कुछ लगा दूँ। वेट अ सेकंड,
तो अब मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ये हमने ऑन कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये इन लाइट्स के साथ। तो हम इसके लाइट्स भी चेंज कर सकते हैं, बहुत तरीके की लाइट्स हैं इसके अंदर। और हम इसकी लाइट ऑफ भी कर सकते हैं, जी अगर इसको दबा के रखोगे हवा तो थोड़ी देर प्रेस करके रखना है तो ये लाइट ऑफ हो जाएंगी। और ऐसे ही इसको दबा के दोबारा रखोगे, थोड़ी देर दबा के रखो तो ये लाइट दोबारा ऑन हो जाएगी। तो इसके अंदर बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ ये नॉर्मल लाइट्स हैं ये, और अलग अलग कलर्स आने लग गए इसके अंदर। जैसे वाइट लाइट्स, बहुत सारी लाइट्स हैं इसके अंदर। मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, बंद करेंगे। और इसके अंदर देखिए मैग्नेटिक शीट मिलती है, अच्छी क्वालिटी की शीट है ये, ताकि डस्ट अंदर ना जाए। इसके अंदर ऊपर दो और भी फैन अटैच करने के स्लॉट मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप इसके अंदर दो फैन यहाँ अटैच कर सकते हैं, मतलब एक फैन यहाँ एक यहाँ फैन यहाँ अटैच कर सकते हैं, तो मतलब दो फैन अटैच हो सकते हैं सिर्फ इसके अंदर पर। और रेडिएटर भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर, जगह लगाना हो आपको। और यहाँ पर आपको पावर सप्लाई के नीचे भी एक मैट देखने को मिल जाता है, ताकि डस्ट अंदर ना जाए। काफी अच्छा मैट है, क्वालिटी भी अच्छी है। और भी बहुत सारे मुझे कैबिनेट्स अच्छे लगे थे, पर ये ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर ARGB लाइट्स है, और कंट्रोलर कंट्रोल करने के लिए ये बटन भी है। और ऊपर से ये इसका प्राइस था 5000 के अराउंड, पर मुझे आफ्टर मार्केट मिला, मार्केट के अंदर मिल गया 4600। बट अगर आप ऑनलाइन लेने जाओगे तो इसका प्राइस 5000 के करीब दिखेगा आपको। बाकी ये था मेरे इस कैबिनेट का रिव्यू। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।